सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा सातवीं की ई लर्निंग हिंदी के व्याकरण की कक्षा में। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस जब सैटरडे करने गए थे तो पता नहीं क्या, तो कोई टेक्निकल रीज़न था या फिर पता नहीं क्या, मुझे दिखा रहा था कि नो स्टूडेंट्स हैज़ ज्वाइंड, तो हम लोग कॉल कनेक्ट नहीं कर पाए, तो आप लोगों का क्लास नहीं हो पाया। मैं सोच रही थी कि आप लोगों में से बहुतों को सर्वनाम में डाउट है, आप लोग मुझे बता रहे थे, तो मैं थोड़ा पुनर्चर्चा कर देती, तो नेवर माइंड, हम लोग कभी और करेंगे। फिलहाल हम चैप्टर को आज समाप्त करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम लोग सर्वनाम की रूप रचना काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार से करते करते आप अब रूप रचना जो चीज़ है इससे पूरी तरह से वाकिफ़ हो गए। तो मैं आज, हमारे रूप रचना में दो भाग बाकी हैं, एक तो है जो संबंधवाचक सर्वनाम और है कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम, इन दोनों को ही एक साथ समाप्त कर देती हूँ, ठीक है। और उसके बाद जस्ट फ्यू लाइन्स बोल करके मैं चैप्टर को समाप्त करूँगी। बाद में अच्छी तरह से मैं इसकी पुनर्चर्चा आप लोगों को करवा दूँगी, ठीक है। तो जो है संबंधवाचक सर्वनाम, इसका कारक कर्ता कारक में एक वचन में होगा जो, जिसने, बहुवचन में होगा जो जिन्होंने, कर्मकारक में होगा जिसे जिसको, बहुवचन में होगा जिन्हें जिनको, करणकारक में होगा जिससे जिसके द्वारा, बहुवचन में होगा जिनसे जिनके द्वारा, संप्रदान कारक में होगा जिसको जिसके लिए, बहुवचन में होगा जिनको जिनके लिए, अपादान कारक अलग होने के भाव में होगा जिससे, मतलब जिससे यह गलती हुई है, मतलब उससे गलती हो गई है तो उससे वो अलग हो चुका है, ठीक है, वो दैट इंसिडेंट हैज बीन सेपरेटेड फ्रॉम दैट पर्सन, ओके। उसके बाद है जिनसे अलग होने के भाव में, फिर क्या है संबंधवाचक, संबंधवाचक में एक वचन पर होगा जिसका, जिसकी, जिसके, का की के, और बहुवचन में होगा जिसका बन जाएगा जिनका, जिसकी बन जाएगा जिनकी, और जिसके बन जाएगा जिनके, ठीक है। उसके बाद अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में जिस पर, जिस में, और बहुवचन में होगा जिन पर, जिन में। उम्मीद है आपको समझ में आया है। ये हो गया संबंधवाचक के लिए। अब है कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन। तो कर्ता में है एक वचन कौन, किसने, बहुवचन कौन, किन्होंने, ठीक है। बहुत जन भी अगर आ जाते हैं और आपको अगर पता नहीं है तो आप कौन है बोलते हैं, तो कौन होगा बहुवचन। फिर कर्म में है किसे, किसको, किसके, बहुवचन में होगा इसके, किन्हें, किनको, किनके। करण कारक किससे, किसके द्वारा, बहुवचन में किनसे, किनके द्वारा। संप्रदान कारक किसके लिए, किसको, बहुवचन में किनके लिए, किनकी, यहाँ को नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा किनको, ठीक है, सॉरी की नहीं होगा, बोलने की जगह मैंने बोल दिया को नहीं होगा। अपादान कारक किससे, और बहुवचन में किनसे, यहाँ पर भी किससे है और यहाँ पर ही किससे है और कहीं पे नहीं है ना, नहीं, मुझे भी कंफ्यूजन हो गया है, चलिए। तो उसके बाद है अच्छा किससे हमारा यहाँ होगा करण कारक में, लेकिन वहाँ अलग होने के सेंस में नहीं होगा, और अपादान कारक में ये अलग होने के सेंस में होगा, ठीक है। उसके बाद संबंध कारक, संबंध कारक में किसका, किसकी, किसके, और बहुवचन में होगा किन का, किनकी, किनके, ठीक है। अधिकरण कारक में एक वचन पर होगा किस पर, किस में, और उसी का बहुवचन में होगा अधिकरण कारक पे किस पर बन जाएगा किन पर, और किस में बन जाएगा किन में। अगर आप इनको वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो आप समझ जाएंगे। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देते हूँ, किन पर, यहाँ पर किन पर विश्वास किया जाए, अगर मैंने ये क्वेश्चन किया तो फिर ये किन पर जो है ये प्रश्नवाचक, किन पर ये किसी संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम के रूप में यूज़ किया जा रहा है, किसी इंसान के लिए यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, किसी संज्ञा के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो फिर ये तो आप समझ गए क्या होगा, ठीक है ना। अब एक आओ दोहराएं, किताब में दिया है, थोड़ा सा दोहरा लेते हैं, अच्छे से बाद में करेंगे। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के छह भेद होते हैं,
पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ठीक है, उसके बाद है पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुषवाचक। आप सर्वनाम का प्रयोग निजवाचक तथा पुरुषवाचक दोनों सर्वनामों में होता है। सर्वनामों की रूप रचना में संबोधन कारक नहीं होता है, अधिकरण तक ही होता है। उसके बाद आजकल तू शब्द का प्रयोग प्रचलन में नहीं है, क्योंकि यह शब्द शिष्टता का प्रतीक नहीं है, वी ऑल नो दैट। इसके स्थान पर तुम, तुमने, तुम्हारा आदि सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। जहां हम लोग तू का प्रयोग करते थे, वहां पर भी आजकल हम लोग तुम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर यही समाप्त होता है, फिर मिलते हैं, एक्सरसाइजेस बाकी हैं उनके साथ। धन्यवाद।